विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल यानी कि 6 नवंबर से शुरू हो रहा है और 6 नवंबर से शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जो जाति आधारित गणना अभी बिहार में हुई है उसको लेकर चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ जो पहला दिन होगा उस दिन राज्यपाल का भी भाषण होगा और उसके बाद शोक सभा होगी और उसके बाद जो सदन है वो स्थगित हो जाएगा। उसके साथ दूसरे दिन से जब सदन की शुरुआत होगी तो कई सारे जो विधेयक हैं वो सदन पटल पर रखे जाएंगे और साथ ही साथ जो जाति आधारित गणना है उसको लेकर जो बातें हैं वो सरकार जो है सदन पटल पर रखेगी और जो विपक्ष है वो इस सदन को पूरी तरह से हंगामेदार बनाने के मूड में है। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि बिहार के राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तमाम जो माननीय विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो जब इस सदन में पहुँचेंगे तो किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो इसको लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे पर गहन जांच कर रही है और देखें किस तरह से जो रंग रोगन का भी काम है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि कल से जब सदन शुरू होगा तो ऐसे में जो सदन है वो काफ़ी बेहतर दिखे इसको लेकर भी पूरे इंतजाम है और डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर सघन जांच कर रही है ताकि किसी तरह की जो विस्फोटक पदार्थ या फिर किसी तरह के अनवांटेड मटेरियल ना हो, सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर जो जाँच है वो पूरी तरह से की जा रही है और पूरे विधानसभा और विधान परिषद परिसर में चप्पे चप्पे पर जो छानबीन है वो की जा रही है ताकि इस तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि यहाँ पर माननीय का आगमन होना है। मुख्यमंत्री यहाँ होंगे, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री होंगे, विधान परिषद विधानसभा के सदस्य होंगे जो माननीय कहे जाते हैं वो यहाँ होंगे और अपनी बातों जनता की आवाज़ को जब सदन के अंदर रखेंगे तो उस वक्त सुरक्षा की कोई चूक ना हो, क्योंकि पहले कई बार शराब की बोतलें यहाँ मिली कि कई तरह की सुरक्षा में चूक हो जाती है। तो ऐसे में इसको लेकर जो सुरक्षा का पूरा खासा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस सत्र को हंगामेदार बनाने की मूड में ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक भर्ती हुई है उसमें जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ जाति आधारित गणना हुई है उसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई जो जातियाँ हैं उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में अब विपक्ष जो है वो इसको विपक्ष अब इस सदन में हंगामा ज़रूर होगा, विपक्ष सदन का बॉयकॉट भी करेगा, कहीं ना कहीं सदन के अंदर और बाहर भी हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि कई लोग हैं या फिर वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर जो जाति आधारित गणना में जो कई समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जातियों को कम करके दिखाया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं सदन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा मार्च होगा, राजभवन मार्च होगा, लेकिन इस सदन के अंदर जो बातें सदन के अंदर रखी जाएंगी, जो जनता की समस्याएं हैं वो तमाम विधायक और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इस सदन में रखेंगे और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे इस जवाब की उम्मीद जो है वो की जाती है कि जो जनता के हित के परेशानियां हैं उसका समाधान जो है वो बिहार सरकार करे। तो ऐसे में कई हंगामों के बीच ये 5 दिनों का जो शीतकालीन सत्र है उसमें कई सारे बिहार के लोगों के हित की भी बातें होंगी, तो साथ ही साथ ये सदन भी जो है वो हंगामेदार भी होगा, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी इसको लेकर बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो सघन जांच कर रही है। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।